देख शिनचैन मेरी बात सुन, तेरा वैकेशन खत्म होने वाला है, कल से तेरी स्कूल है, तो तुझे जितने मजे करने आज कर ले, कल से कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस बात की खुशी मुझसे ज्यादा किसको होगी, कल से घर में शांति, आराम से सोऊंगा देर तक। वैसे भी इन छुट्टियों में तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, फिर बता आज के दिन क्या करने वाला है तू। अरे क्या बात कर रही है फ्रैंकलिन भैया, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ आखिरी दिन पे पार्टी कर लूँ अपने दोस्तों के साथ, वैसे भी आप तो मुझे कहीं पर लेके नहीं जाओगी। एक मिनट, मुझे किसी का फोन आ रहा है। अरे वाह चिंटू, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। आले तीनतन मेरी बात सुनो, आज मेरे घर पे मैंने पार्टी रखी है, मैं चाहता हूँ तुम भी आओ उस पार्टी में। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अले दिल की बात नहीं, मुंह की बात छीन ली। अरे पर चिंटू एक प्रॉब्लम है, फ्रैंकलिन भैया मुझे छोड़ने नहीं आएंगी, तुम मुझे लेने आ सकते हो क्या? आले हाँ हाँ बिल्कुल, लेने आता हूँ थोड़ी देर में। वाह क्या बात है, आज तो मैं पार्टी करूंगा। फ्रैंकलिन भैया मेरे तो आज का इंतजाम हो गया है, आप लोग अपना देख लो, चिंटू कुछ ही देर में आता होगा मुझे लेने के लिए। ये देखो घर की घंटी बजी। अरे वाह चिंटू तुम कितने अच्छे हो, मुझे लेने के लिए इतनी महंगी गाड़ी लेकर आई हो, तुम्हारी गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। चलो अभी हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। फ्रैंकलिन भैया और चॉप मेरी बात सुनो, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा, उसके बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज मुझे बहुत मजे करने हैं, मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है। चलो चिंटू जल्दी से जाके गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि फ्रैंकलिन भैया का मूड चेंज हो जाए और वो मुझे रोक ले। वैता तीनतन एक बात बताओ, तुमने थुतियों में किया क्या? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे फ्रैंकलिन भैया बहुत ही बोरिंग आदमी है, हमें कहीं पर लेके नहीं जाती थी। चलो गाइस शिनचैन तो गया, अब थोड़ी देर घर में शांति रहेगी। मैं तो बोलता हूँ चॉप तू भी कहीं घूमने चला जा, ताकि मैं आराम से सो पाऊँ, किसी का झंझट ना हो। देखो गाइस फिलहाल कुछ होने नहीं वाला, तो जल्दी से साफ सफाई कर लेता हूँ इससे पहले कि शिनचैन वापस आ जाए। चैन से सुना है तो जाग जाओ, लॉस सैंटोस पर मंडरा रहा है खतरा, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक मिनट गाइस, ये क्या चल रहा है टीवी में? आप इस कैदी को देख सकते हो, इसका कहना है कि इसने जो भी क्राइम किया है वो उससे एक चुड़ैल ने करवाया है, और इसका ये भी कहना है कि वो चुड़ैल उसे हमेशा नाचते हुए दिखती थी, और जो भी उसके काबू में आता था वो भी नाचने लगता था। फ्रैंकलिन भैया ये लोग क्या बता रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आप एक काम करो, शिनचैन को वापस बुला लो, बाहर सेफ नहीं लग रहा मुझे आज, कहीं ये चुड़ैल सच्ची में निकली तो। नहीं यार चॉप, ऐसा थोड़ी होता है, भूत वगैरह नहीं होते यार। अरे आपको कैसे पता, आपने कभी देखा है? अरे नहीं देखा इसलिए तो पता है। ठीक है चल छोड़, मैं फोन कर ही लेता हूँ, क्या मन में डाउट नहीं रखने का। फोन तो लगा दिया गाइस, पर ये उठा क्यों नहीं रहा है, ऐसा कभी करता तो नहीं है, अभी तक तो उसे उठा लेना चाहिए था। चॉप यार वो फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूँ गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन तो कट गया है यार। चॉप एक काम कर सकते हम लोग, देख शिनचैन से ऐसे तो बात हो नहीं रही है, हम लोग एक काम करते, वो जिस दोस्त के घर पे पार्टी करने गया ना वहाँ पर ही जाते सीधा। अरे हाँ ये बात आपने एकदम सही बोली, चलो चलते है, फिर आ जा मेरे पीछे। गाइस यार चॉप खुद तो डर रहा है, उसने मुझे भी डरा दिया, मेरे मन में भी कचरा भर दिया है, वरना मैं ये सब जल्दी मानता तो नहीं हूँ। वैसे आपको पता तो है वो कौन से दोस्त के घर पे गया है? अरे यार वो फोन पे बात तो कर रहा था ना, किसका नाम लिया था उसने, चिंटू बराबर यही नाम था। हाँ पर आपको चिंटू का घर पता है क्या? हाँ घर मुझे पता ना, मैं एक बार जाके आ चुका हूँ। चलो फिर तो ठीक है, वरना मैं तो डर ही गया था। चॉप यार चिंता मत कर, हम लोग कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे, उसका घर यही कहीं होना चाहिए, ये रहा। अबे यार जब पहले आया था तो घर इतना बड़ा नहीं था, ये लोग तो पहले से काफी अमीर हो गए। मानना पड़ेगा यार, गाड़ी को यही पर पार्क कर देते हैं। चॉप आ जाकर पूछ लेते हैं उनसे, आपको क्या लगता है वहाँ पर जाना ठीक होगा, वरना शिनचैन बहुत भड़क जाएगा। अरे यार भड़के तो भड़के, उसके सेफ्टी का सवाल है, जाकर चेक तो करना ही पड़ेगा। काश के वो लोग अंदर हो। हेलो कोई है यहाँ पर? शिनचैन चिंटू यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक मिनट गाइस, ये रहे चिंटू के मॉम डैड, इनसे पूछ लेता हूँ। अरे अंकल चिंटू और शिनचैन कहाँ पर है आपको पता है? मैं बस उसे ऐसे ही मिलने आया था। हाँ बेटा मुझे पता है, वो लोग अपने कमरे में खेल रहे है, आज उन्होंने कोई छोटी सी पार्टी रखी थी। चलो अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाकर उससे मिलके आ जाता हूँ। गाइस यार अंकल आंटी भी सोच रहे होंगे कि रोज उसके घर पे तो रहता है, हालचाल पूछने कैसे आ गया। अब डाउट होना होगा तो हो जाएगा, अपन तो अपना काम करके निकलते हैं, या उसको साथ लेके निकलूंगा। शिनचैन चल। शिनचैन गाइस यार वो लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, अंकल आंटी ने तो बोला था बच्चे यही पर पार्टी कर रहे। शिनचैन शिनचैन चिंटू, अब यार यहाँ पर भी कोई नहीं है। शिनचैन कहाँ जा सकते ये लोग? एक काम करता हूँ नीचे वाला कमरा भी जाके चेक कर लेता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर भी कोई नहीं है। एक मिनट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसा अजीब सा डांस है? एक मिनट गाइस, न्यूज पर बता रहे थे कि उस कैदी ने कहा था कि वो चुड़ैल जिसको देखती है वो भी ऐसा डांस करने लगता है, मतलब ये लोग चुड़ैल के काबू में। अंकल आंटी आप मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? अगर कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तुम बचोगे नहीं, सब मरे जाओगे। सब मरेंगे।
कोई नहीं बचना चाहिए। गाइस मेरी फट रही है, भाग चौप यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलना होगा। अबे नहीं यार, मैं भी कार से टकरा गया, जल्दी 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 जल्दी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार, ये सब सच्ची में हो रहा है। चौप यार चौप, कहाँ रह गया, इतना ढीला ढीला चलेगा ना तो अंकल आंटी पकड़ भी लेंगे। फटाफट आ यार। अरे आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डर गया था, डर के मारे मेरे पैर भी नहीं उठ रहे है। चौप यार, उस कैदी ने जो कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ये लोग एकदम अजीब सा डांस कर रहे हैं। शिनशान, चिंटू और बाकी बच्चे भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे, कहीं वो चुड़ैल तो उन्हें नहीं ले गई। अब तो इस घर के पास से भी मेरे को भूतिया वाई भी आ रही है। फ्रैंकलिन भैया, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा, पता नहीं शिनशान किस हाल में होगा। चौप तू चिंता मत कर, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे, चलते। एक मिनट, अबे यार ये लोग तो यहाँ पर भी आ गए। चौप जल्दी से आके गाड़ी में बैठ, तुरंत निकलना होगा। भाई साहब, गाइस ये क्या हो रहा है यार, मेरी तो फटते ही जा रही है, अंकल आंटी भी उसके ही काबू में। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो पता नहीं वो चुड़ैल इनसे क्या क्या करवाएगी। पहले ये बताओ कि हम लोग अभी शिनशान को ढूंढेंगे कैसे, वो तो चिंटू के घर पे नहीं है। मुझे पता है, इसलिए तो मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ। चौप जल्दी से नीचे उतर, अब यहीं पर हमारी कुछ मदद हो सकती है। जल्दी जल्दी जाते, यहाँ पर वो कैदी होगा। गाइस चलो हम लोग अंदर तो आ गए। ये रहे ऑफिसर। सर मेरी बात सुनिए, मुझे उस कैदी से मिलना है जो चुड़ैल की बात कर रहा था, क्योंकि मेरा भाई भी गायब हो गया और मुझे लगता है उसके पीछे उस चुड़ैल का ही हाथ है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना, मुझे उसे किसी भी हालत में मिलना जरूरी है, मेरे छोटे भाई का सवाल है यार, वो सुबह से गायब है। एक मिनट, क्या तुम उस कैदी से मिलना चाहते हो जो चुड़ैल की बात कर रहा था, वैसे तुम हो कौन? एक मिनट, हाँ मुझे उस कैदी से मिलना है, दरअसल मेरा छोटा भाई गायब हो गया है और मुझे लगता है कि उसके पीछे उस चुड़ैल का ही हाथ है। उस कैदी से मुझे कुछ ना कुछ तो पता चली जाएगा, जिससे मेरी मदद हो सके। प्लीज आप उसे बुला लीजिए ना। रुको रुको, इतनी चिंता मत करो, मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं, अगर इससे तुम्हारी मदद होगी तो यहीं पर रुको, मैं उस कैदी को लेकर आती हूँ, वो भी काफी डरा हुआ है। गाइस यार चलो, वो उस कैदी को लेकर आती होगी। एक तो सुबह से यहाँ भाग रहा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी से जाके कुछ पी लेता हूँ। इस मशीन में डालता हूँ कॉइन, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हाँ चलो गाइस, इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी, जल्दी जल्दी पी लेते हैं। अब जाके कुछ अच्छा लग रहा है। वो लोग पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। एक तो वैसे मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अरे ये देखो वो लोग आ गए हैं। एक मिनट गाइस, ये तो वही कैदी है जिसको हमने न्यूज में देखा था। चलो फाइनली हमारे सामने है। क्या हुआ बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें मुझसे क्या जरूरत पड़ी, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। दरअसल मुझे उस चुड़ैल के बारे में जानना है जिसके बारे में तुम न्यूज पर बात कर रहे थे, जिसने तुम्हें कंट्रोल किया था। दरअसल मेरा छोटा भाई गायब हो गया है, मुझे उसे किसी भी हालत में ढूंढना है, अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन दे सको तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, इतना हड़बड़ाओ मत, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, वो जब भी तुम्हें दिखेगी एक अजीब सा डांस करते हुए दिखेगी और तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लेगी। तुम याद रखना, उससे डरना मत, क्योंकि जो भी उससे डर जाता है वो उस पर हावी हो जाती है और उसे कंट्रोल कर लेती है। तुम जितना ही उससे नहीं डरोगे वो उतने ही कमजोर पड़ेगी। अरे यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आएगी, पर उसे हराऊंगा कैसे मैं? देखो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसे कैसे हरा सकते हैं, पर हर भूत का एक तरीका होता है, अगर तुम उसे जला दो तो मुझे लगता है वो शायद वापस जिंदा नहीं हो पाएगी, वरना उससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे यार उसे जलाना पड़ेगा। देखो तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आएगी, पर वो मुझे मिलेगी कहाँ पर? अब वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, वो बहुत सारी जगह पर होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तुम्हें उसे खुद ही ढूंढना होगा। इसमें तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और याद रखना, उसे बचकर रहना, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चौप यार चल, हमें बहुत सारी जगह जाके ढूंढना पड़ेगा जब तक वो चुड़ैल नहीं मिल जाती। देखो गाइस मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले गांव साइड जाओ, क्योंकि वहाँ पर ये सब है ना बहुत ज्यादा होता है। अब जल्दी जल्दी जाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, आपने तो कहा था ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर ये कहाँ से आ गई? चौप यार मैंने कहा था क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि ये सब सच्ची में होता है यार। पर तू चिंता मत कर, हमारे पास इलाज है, हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि उस कैदी ने कहा था अगर डर गए तो वो हम पर हावी हो जाएगी, हमें उसके सामने एकदम स्ट्रांगली खड़ा होना है ताकि वो कमजोर पड़े। अच्छा ऐसी बात है, पर मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मेरा तो उसको देख के सुसु निकल जाएगा। देख चौप, तेरे को डरना तो डर, पर मुझे मत डरा यार, तेरे हाथ जोड़ता वैसे फटी पड़ी है, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है, पर जा कहाँ पर रहे हो? मैं गांव साइड जा रहा हूँ। एक मिनट गाइस, अबे ये तो बिल्कुल वैसे ही डांस कर रहा है, लगता है वो चुड़ैल यही कहीं आसपास होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर भी एक जन नाच रहा है, ये लोग कर क्या रहे यार, ये सब के सब उस चुड़ैल के काबू में, हमें इन सबको आजाद करना होगा, जल्दी से जल्दी उस चुड़ैल को ढूंढना होगा। एक मिनट, यहाँ पर भी एक जन वैसा डांस कर रहा है, पर एक जन नॉर्मली खड़ा है, इससे जाकर पूछते हैं। अरे अंकल मेरी बात सुनो, उससे दूर रहो, वो एक चुड़ैल के काबू में। हाँ बेटा मुझे पता है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आपको पता है वो भी कहाँ पर हो सक्टी है? देखो बेटा मुझे लगता है वो इसी गाँव में है, क्योंकि इस गांव के बहुत सारे लोग उसके काबू में आ चुके हैं, तुम भी संभल कर रहना, वो तुम पर कब्जा कर सकती है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो गाइस इतनी कंफर्मेशन तो मिली कि वो हमारे आसपास ही हो सकती है, कैसी भी करके उसे ढूंढना है, धीरे धीरे तो रात भी हो गई है यार, पता नहीं वो हमें कहाँ मिलेगी।
एक मिनट गाइस, उस पुल के बीच में देखो कोई तो है और वो बिल्कुल ऐसे ही डांस कर रहा है। जल्दी से उतर के देखते हैं। ओ भाई साहब, गाइस मेरी थोड़ी सी फट रही है क्योंकि ये वही चुड़ैल है। देखो डरना नहीं है, लंबी सांस ले फ्रैंकलिन। देखो मुझे पता है मेरा छोटा भाई तुम्हारे कब्जे में और वो बाकी बच्चे भी, चुपचाप उन सबको छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें आगे कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसा बोलोगे और मैं उसे लौटा दूंगी? वो तो मेरे कब्जे में है ही, अब तुम भी मेरे कब्जे में होंगे, मैं तुम्हें भी अपने कंट्रोल में कर लूंगी। मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ, तुम कुछ भी कर लो मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या, ऐसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर अब तुझे होगा। एक मिनट गाइस, अब यार इसको तो लग ही नहीं रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर मैं इसे हराऊंगा कैसे और शिनचान को कैसे बचाऊंगा, ये तो एक भूत है यार। ये काली बिल्ली कहाँ से आ गई? मुझे बहुत डर लगता है। एक मिनट, एक चुड़ैल होके एक बिल्ली से डर रही है? बिल्लियाँ मेरी कमजोरी है, उनके आसपास रहते मेरी पावर चली जाती है। एक मिनट, क्या इसने कहा इसकी पावर चली जाती है? बहुत गलत जगह बहुत गलत चीज बोल दी। देख मैं इसे भगा दूंगा, चुपचाप मेरे भाई और उन बाकी बच्चों को वापस कर दे, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा वरना। रुको रुको, लौटा दी हूँ। गाइस यार ये तो डर गया, इसने सारे बच्चों को वापस कर दिया है, अब इस बिल्ली को भगाओ। हाँ भगाता ना तेरी तो। हट। देखो गाइस, उस कैदी ने कहा था इसे जलाना जरूरी है वरना ये वापस आ सकती है, और ये गई। चलो फाइनली ये तो जल के खाक हो गई और सारे बच्चे भी बच गए। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। और हाँ गाइस, हमारे दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो भी हमारे डूड फैमिली का हिस्सा है। उस चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा जैसे कि लाइव स्ट्रीम, फीफा, वैलोरेंट, BGMI। तो जल्दी से जाओ यार, देरी किस बात की है। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।